तो जो Google Pixel 7 है वो 11 मई को इंडिया में लॉन्च होने वाला है। साथ ही सब कुछ कंफर्म भी हो गया है कि क्या कुछ देखने को मिलेगा आपको Google Pixel 7 के अंदर। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू कर लेते हैं, उससे पहले वीडियो को लाइक कर लेना और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा देना। सबसे पहले बात कर लेते हैं डिस्प्ले के बारे में। तो इसमें आपको 6.1 इंच की फुल HD प्लस OLED डिस्प्ले देखने को मिलेगी। तो जो डिस्प्ले साइज है वो यहाँ पर सेम देखने को मिलेगा जैसा हमें पिक्सल 6a में देखने को मिला था, लेकिन जो एक अपग्रेड होगा वो होगा इसके रिफ्रेश रेट में। इस बार हमें पिक्सल 7a के अंदर 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा। इसके अलावा HDR 10 प्लस, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, फेस अनलॉक और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट का सपोर्ट भी मिल जाएगा। तो डिस्प्ले में तो कुछ ज्यादा खास अपग्रेड नहीं है, बट कुछ ना से तो कुछ ही सही। अब बात करें इसके परफॉर्मेंस की, तो गूगल पिक्सल 7a में हमें टेंसर G2 चिप देखने को मिलेगी जो कि 5nm की टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। अब ये जो चिप है ना, इसमें हीटिंग का इशू रहता है क्योंकि जो पिक्सल 7 सीरीज है वहां पर भी सेम यही चिपसेट है और लोगों को वहाँ पर हीटिंग का इशू देखने को मिला है। इसके अलावा LPDDR5X रैम टाइप होगी और UFS 3.1 स्टोरेज टाइप। रैम वेरिएंट की बात करें तो सिर्फ एक रैम वेरिएंट में ये फोन आएगा 8+128GB स्टोरेज के साथ। इसके अलावा बैटरी की बात करें तो 4400mAh की बैटरी देखने को मिलेगी 18W की चार्जिंग के साथ, बट चार्जर जो है वो आपको बॉक्स के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा बात करें इसके सॉफ्टवेयर के बारे में, तो नो डाउट जो सॉफ्टवेयर होता है गूगल का वो एकदम स्मूथ क्लीन स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस देता है। तो पिक्सल UI होगी, एंड्रॉइड 13 के साथ फोन आएगा आउट ऑफ द बॉक्स एंड एंड्रॉइड 14 का भी आपको इसमें अपडेट देखने को मिलेगा। अब बात करें इसके कैमरास के बारे में, तो यहाँ पर एक काफी बड़ा अपग्रेड हमें देखने को मिलने वाला है। जो प्राइमरी कैमरा होगा वो यहाँ पर 64 मेगापिक्सल का होने वाला है सोनी IMX787 सेंसर के साथ। इसके अलावा OIS का भी आपको सपोर्ट मिल जाएगा। साथ ही जो सेकेंडरी कैमरा होगा वो 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड होने वाला है। तो ड्यूअल कैमरा सेटअप होगा पीछे की तरफ और जो सेल्फी है वो भी यहाँ पर 13 मेगापिक्सल की होने वाली है। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो मैक्स 4K वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे आप 30 और 60 FPS पर। अब प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो पिक्सल 6a लॉन्च हुआ था 45,000 के प्राइस पर और जो पिक्सल 7a होगा वो भी हमें लगभग इसी प्राइस में देखने को मिल सकता है। तो ओवरऑल अगर फोन के स्पेक्स देखें तो स्पेक्स तो अच्छे हैं, बट अगर 45,000 के प्राइस पे ये फोन आता है तो कहीं ना कहीं मुझे तो ये फोन ओवर प्राइस लग रहा है। बाकी आपको कैसा लग रहा है वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मैं आपसे मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो।